हेलो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जो मार्च 2020 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, क्वेश्चन नंबर 4। और जैसे कि सबको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिंगल ड्रॉवर और सिंगल ड्रॉवी रहता है, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिंगल ड्रॉवर और मल्टीपल ड्रॉवीज होते हैं, तो जो जिसको अपन 4 बिट्स के क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो अभी जो मार्च 2020 का रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया था वो सिंगल ड्रॉवर और सिंगल ड्रॉवी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ऑन 1 मार्च 2016 मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता वर्थ ₹40,000। तो 1 मार्च को क्या हुआ है, मीनाक्षी ने गुड्स बेचा है नीता को ₹40,000 के। नीता एक्सेप्टेड बिल ऑन फॉर 3 मंथ्स ड्रॉन बाय मीनाक्षी ऑन 1 मार्च 2016। और फिर नीता ने क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने के लिए सेम डेट पे 1 मार्च 2016 को। ऑन 31 मई 2016 नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी टू रिन्यू द बिल। मीनाक्षी एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट नीता शुड पे 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। नीता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी एंड प्रिपेयर नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। तो सबसे पहले अपन इसके एक वर्किंग बना लेंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वर्किंग के अंदर लेफ्ट साइड में मैं ड्रॉवर का नाम लिखूंगा मीनाक्षी, ठीक है। लेफ्ट साइड में नाम आएगा मीनाक्षी ड्रॉवर, और राइट साइड में नीता का नाम रहेगा ड्रॉवी। ड्रॉवी सबसे पहले क्या हुआ, 1 मार्च को, 1 मार्च 2016 को मीनाक्षी ने नीता को गुड्स सोल्ड किए। गुड्स सोल्ड कितने के गुड्स थे, 40,000 रुपीज़ के। 40,000 रुपीज़ के गुड्स सोल्ड किए, और वो भी 1 मार्च को, 1 मार्च 2016। और फिर नीता ने क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जो कि मीनाक्षी ने ड्रॉ किया 40,000 रुपीज़ का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल वो भी 3 मंथ्स के लिए, ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, 1 मार्च 2016, ठीक है। तो ये दो ट्रांजैक्शन होने के बाद क्वेश्चन में सेकंड पैराग्राफ में दिया है ऑन 31 मई। देखो यहां से 1 मार्च से 3 मंथ्स कहां पे खत्म होंगे, मार्च का पूरा महीना, अप्रैल, मई। तो मतलब इसका ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो मार्च से एक मई दो महीने, और 1 मई से 1 जून 3 महीने। तो मार्च, अप्रैल, मई, टोटल 3 मंथ्स है ना। तो वैसे भी 1 जून को इसका ड्यू डेट, वैसे विदाउट 3 डेज ऑफ ग्रेस 1 जून उसका ड्यू डेट था, प्लस 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 जून। तो 4 जून इसका ड्यू डेट था, लेकिन नीता 31 मई को ही क्या हो गया, नीता आके रिक्वेस्ट करी मीनाक्षी को। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले 31 मई को बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर देंगे। 31 मई 2016 बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल कैंसल हो गया, तो मीनाक्षी ने कुछ कंडीशन रख दी है। मीनाक्षी एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट नीता शुड पे 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले
₹10,000 कैश ले लेंगे, ₹10,000 कैश, थर्टी फर्स्ट मे 2016 को ही क्या करना है आपको, ₹10,000 कैश ले लेना है। और फिर 31 मई को क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 31 मई को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ, तो 31 मई को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा कितने अमाउंट पे, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 30,000 पे, क्योंकि 40,000 का ओरिजिनल बिल था, उसमें से ₹10,000 कैश उसने अभी इमीडिएटली पे कर दिए, तो 30,000 पे 12% कितने मंथ्स का है देखो एक बार, 2 मंथ्स के लिए, तो 2/12, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा ₹600। तो इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा 600, ठीक है। और फिर न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, न्यू बिल, न्यू बिल ड्रॉ करना है अपने को, न्यू बिल्स रिसीवेबल जो कि 2 मंथ्स के लिए रहेगा, और 31 मई को, 31 मई 2016 ये रहेगा 30,600 रुपीज, 30,600 रुपये का, ठीक है। अब उसके बाद नीता एक्सेप्टेड द न्यू बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट, द बिल वॉज ऑनर्ड। तो अब अपने को कैलकुलेट करना है इस बिल का 31 मई से 2 मंथ्स कहाँ पे एंड होगा, तो 31 मई से 2 मंथ्स, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, 31 जुलाई प्लस 3 डेज क्या आएगा, 3rd अगस्त, 31 मई से जून का एंड और जुलाई का एंड, तो 31 जुलाई प्लस 3 डेज, तो आंसर आएगा 3rd अगस्त। तो 3rd अगस्त को क्या करना है आपको, बिल ऑनर करना है, 3rd अगस्त को बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, न्यू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड 3rd अगस्त 2016, ठीक है। तो ये था पूरा वर्किंग, कितने एंट्री होंगे अपन एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद में इसका आंसर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले मीनाक्षी के बुक में कितने एंट्री होंगे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोला है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी, और फिर नीता का अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी, सबसे पहली एंट्री होंगी गुड्स सोल्ड की, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करने की, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड होने की, उसके बाद में पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंट्री नंबर 4, इंटरेस्ट की एंट्री नंबर 5, उसके बाद न्यू बिल्स रिसीवेबल की एंट्री नंबर 6 एंड न्यू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड एंट्री नंबर 7। तो टोटल 7 एंट्री होंगे, 7 एंट्रीज होंगे डेट वाइज, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है ये अपने को अब मेन आंसर लिखने के लिए काम आएगी। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी जर्नल एंट्रीज,
इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी जर्नल एंट्रीज। तो फॉर्मेट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और अगर सबसे पहली एंट्री की बात करेंगे तो फर्स्ट मार्च की एंट्री है, फर्स्ट मार्च 2016। बोलो क्या एंट्री होंगी, नीता नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नीता, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नीता। चलो नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट मार्च 2016, ठीक है। फर्स्ट मार्च 2016 को क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए अपन ने, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू नीता अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट 40,000। Narration being acceptance received for 3 months from Nita, acceptance received for 3 months from Nita, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम नीता। उसके बाद में 31 मई की एंट्री होगी, 31 मई 2016। सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री, कैंसिलेशन की एंट्री होंगी नीता अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिल अपने खुद के पास ही है, तो रिटेन बिल कैंसिल हुआ तो क्या करेंगे, जो बिल मिलने की एंट्री थी ये वाली, इसकी रिवर्स एंट्री पास करना है तुमको, जो बिल अपने को मिला ना उसकी रिवर्स एंट्री पास करना है। तो नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, ठीक है। तो ये हो गया 31 मई का कैंसिलेशन का एंट्री। अब 31 मई 2016 इंटरेस्ट चार्ज, तो एंट्री होगी नीता अकाउंट डेबिट, नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 600। बट ये वाली एंट्री के पहले अपन कैश की एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने जो ड्रॉ किया उसमें कैश पहले है, तो डेट अगर सेम है तो एंट्री ऊपर नीचे भी रही तो चलेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, कैश पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री कर लेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट 10,000। नरेशन बीइंग पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, बीइंग पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। और फिर 31 मई की एंट्री, 31 मई 2016 इंटरेस्ट चार्ज, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट,
नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 600 600 600 600। तो इसका नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज फॉर टू मंथ्स, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर टू मंथ्स ऑन बैलेंस अमाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर टू मंथ्स ऑन बैलेंस अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में न्यू बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करना है 31 मई को, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,600, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,600 टू नीता अकाउंट 30,600 नरेशन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर टू मंथ्स, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर टू मंथ्स अलोंग विथ इंटरेस्ट, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर टू मंथ्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। और फिर इसका ड्यू डेट आएगा 3rd August को क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 30,600 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,600। नरेशन न्यू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड। तो ये है टोटल 7 एंट्रीज, बट एग्जाम में ये 7 एंट्रीज के लिए 7 मार्क्स है, और यही एंट्रीज को देख के तुमको एक और पार्ट करना है आंसर का, वो है कौन सा अकाउंट, नीता अकाउंट, नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी, नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। तो फर्स्ट एंट्री देख लो, 1 मार्च की है, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो जब कभी भी सेल्स से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है ना, तो ओपनिंग बैलेंस अपने को लेजर में लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना डेटर अकाउंट के अंदर, तो वो कब लिखना है, जब तुम्हारा पहला ही ट्रांजेक्शन बिल्स रिसीवेबल का है तो। बट ये क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन सेल का है, तो मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है, नीता अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट मार्च को क्या करना है, टू सेल्स अकाउंट 40,000, टू सेल्स अकाउंट 40,000। एंट्री नंबर टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, तो नीता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, नीता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा 1 मार्च 2016 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 40,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000। ठीक है, उसके बाद में थर्ड एंट्री क्या है, 31 मई की है, 31 मई को क्या हुआ, नीता ने रिक्वेस्ट करा और बिल कैंसिल किया, तो एंट्री होती नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 31 मई 2016, नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000। उसके बाद एंट्री नंबर फोर अगर तुम देखेंगे तो उसमें दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, तो 31 मई को नीता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे अपन, 31 मई 2016 बाय कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज की, तो नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 600 रुपीज, तो नीता अकाउंट के डेबिट साइड पे 31 मई 2016 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 है, कितना अमाउंट है 600 टू इंटरेस्ट अकाउंट 600। उसके बाद 31 मई को न्यू बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट की नीता ने, तो एंट्री होती बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, तो यहां पे क्या करना है, 31 मई को बाय
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,600, और जो लास्ट एंट्री है उसमें नीता का नाम नहीं है, तो ये अकाउंट तुम्हारा यहाँ पे टैली हो जाएगा 80,600। ठीक है, तो एग्ज़ाम में नीता अकाउंट को 3 मार्क्स थे और एंट्रीज़ को एक एक मार्क, तो टोटल 7 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और भी मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स बना के डिस्कस करते हुए दूंगा, तो आपको उसको रेफ़र करना है। ओके, थैंक यू।